ओ मैडम, हमें कोई शौक नहीं चढ़ रहा तुम पे चांस मारने का। तुम सारे लड़के एक जैसे होते हो। माफी मांग ले, कभी बताना तुझे अभी। एक तो गलती करा लड़की छेड़ने के, ऊपर से मान भी नहीं रहा। इन जैसों की वजह से आज सारे लड़कों का नाम बदनाम है। सर सॉरी मान ली। हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? सॉरी मैडम, पर गलती आपकी थी। आप ही ने केले का छिलका वहाँ फेंका था जिससे मैं फिसला। तुम जैसे लड़कों को मैं अच्छे से जानती हूँ, छूने के बहाने नए नए तरीके ढूंढते हो। ओ मैडम, दिमाग तो सही है ना? मतलब गलती सिर्फ मेरी है, आपकी कुछ नहीं। अगर आप छिलका फेंकते नहीं तो मैं आपके ऊपर गिरता भी नहीं। बस रहने दो, तुम सारे लड़के एक जैसे होते हो, हमेशा चांस मारने का मौका ढूंढते रहते हो। ओ मैडम, हमें कोई शौक नहीं चढ़ रहा तुम पे चांस मारने का, वो तो आपकी गलती की वजह से ये सब हुआ। एक तो गलती करा लड़की छेड़ने के, ऊपर से मान भी नहीं रहा। इन जैसों की वजह से आज सारे लड़कों का नाम बदनाम है। सर सॉरी मान इनसे। भाई मैं क्यों मांगू सॉरी, गलती सिर्फ मेरी थोड़ी है, इनकी भी है। अरे ओए, माफी मांग ले, कभी बताना तुझे अभी। सॉरी। आइंदा से सोच समझ के उलझना। सॉरी को रखो अपनी जेब में। और क्या कह रही थी तुम कि हम तुम्हें छेड़ रहे हैं, अब तुम मेरे ऊपर आके गिरी, तो इसका मतलब तुमने मुझे छेड़ा ना। गलती जब भी तुम्हारी थी और अब भी तुम्हारी है, तुम्हारे फेंके हुए छिलके की वजह से हम दोनों गिरे। अरे ओए चल मान लिया, आपकी बार गलती लड़की की है, इसका मतलब थोड़े तो लड़की बात उठाएगा। भाई थोड़ी देर पहले भी गलती मेरी नहीं थी, गलती जब भी मैडम की थी, और तुम लोगों ने मेरी गलती मानते हो, मेरे को थप्पड़ मारा। अब गलती मैडम की है तो मैडम को भी थप्पड़ मारो, मारो ना मारो। और यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी आ जाता मेरे भाई, थप्पड़ के बदले थप्पड़। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती है समाज की है, जो हर बार लड़के को ही कसूरवार ठहराता है। अरे लड़की की भी तो कुछ गलती होगी। और मेरे भाई हमेशा सच का साथ दिया करो, वरना लड़कों की ज़िंदगी भी खराब हो चुकी है। अच्छा जी, राम राम।